कितने लोग मैरिड है? मैरिड जस्ट रेज योर हैंड ताकि मैं समझ पाऊँ. हाँ ये, अरे बहुत सारे लोग शादी से लो. जिंदगी बर्बाद तो है तुम लोगों की. क्यों? मैं बता रहा हूँ आराम से. आपको नहीं लग रहा आपकी हुई? किस लिए थैंक यू? मतलब बर्बाद होने के लिए? मैंने कुछ नहीं किया. पति ऐसे पकड़ रहा हाथ में सर्वे. अगर वही आपके पति हैं तो पेंट कर. हाँ भाई सॉरी, वो तो डिपेंड करता है कि कौन कैसा क्रूअल है. पर दोनों अच्छे बराबर होते, कोई बात नहीं. आपने मिलाया तो होगा ना, जो भी मिलवाया होते हैं, कुंडली गोत्र सीटीसी. मेरे हिसाब से आपके बजट में यही बैठे होंगे तो इसने आपने से शादी करी. बजट वाली बात ही तो थी, और क्या होता है. आप इसे कुछ भी कह लो, है तो बजट ही ना भाई. भाई हमारे नॉर्थ में पंडित जी से पूछते हैं कि कितना संकल्प है आपका, कितना खर्च करेंगे शादी को, कितना धूमधाम से करेंगे. वो धूमधाम का मतलब पैसा होता है. तो बस आपका जितना था आपके बस में वही था, आपके रेडियस में वही आया. ठीक है, गुड गुड. पर जितने लोग लाइव पहली बार देख रहे हैं, मैं छोटा ट्यूटोरियल देता हूँ कि एक कैसे चलता है लाइव शो. लाइव शो में क्या होगा कि आपको जब आप घर पे वीडियो देखते हो, किसका बच्चे भी लेके आए हो आप? कहाँ हैं? कहाँ आई? अरे कोई बात नहीं, आप ही का है. क्रिसमस में गिफ्ट दिलाओ, मैं थोड़ी सेंटा क्लॉज बन के आऊँगा इसके लिए. कितना साल का है मैम? कितना साल का है? हाउ ओल्ड ही और शी? 2.5 years. काफ़ी लंबा. और शादी को कितना टाइम हो गया आपके? 3.5 years. रुके नहीं आप? हाँ तो थोड़ा टाइम होता सर इतना. मैम जानने भी नहीं दिया आपको एक दूसरे को. ये फर्स्ट एनिवर्सरी बच्चा तो नहीं हाथ में था फर्स्ट एनिवर्सरी पे? मैम फर्स्ट एनिवर्सरी यही था या नहीं था बच्चा? मैम वाह बेहतरीन. आपका फ्यूचर ऐसा बनाना है फ्यूचर. या आपने इनको सर्वेंट क्वार्टर में रखा है पीछे? हाँ तो खुद गए हैं? नहीं सर, बहुत बढ़िया आदमी लग रहे हो आप, मुझे अच्छा कर रहे हो आप. सही पीछे देख रहे हो आप? 3 साल में इतनी दूरियां अच्छी बात नहीं है. शादी को 5 साल. ये क्या चल रहा है मैम? कौन सा नशा? अच्छा वो करके एक ही घर में रहते हो या वो भी अलग अलग रहते हैं? भाई ठीक है, समझ में आ गया आपको. ये ऐसे परिवार आएंगे सारे, ठीक है. पर बेस्ट पार्ट है कि आजकल चल रहा है कि नॉर्थ वाले बैंगलोर में बस गए, आजकल बड़ा चल रहा है. तो मैं पहले जहाँ से आया हूँ मैं अपनी बेइज्जती कर लूँ ताकि बैंगलोर की मैं बाद में कर पाऊँ. ठीक है, जैसे मेरा बॉर्न एंड ब्रॉटअप दिल्ली में हुआ है एंड आई हैव रिसेंटली मूव टू दिस ब्यूटीफुल प्लेस कॉल्ड गुरुग्राम. इट्स अ ब्यूटीफुल प्लेस. मैम आप गए हो कभी गुरुग्राम? आई कैन टेल यू, जिनको नहीं पता गुरुग्राम के बारे में आई विल एक्सप्लेन. आपको पता है मुंबई कैसे बना? मुंबई बना था 7 आइलैंड्स को मिलाकर. गुरुग्राम कैसे बना? 100 ठेकों को मिलाकर. उनको लगा कि ये 100 ठेके वीरान घूम रहे हैं, इन्हें बस जोड़ दो. गुरुग्राम बहुत प्यारी जगह है. आप जाओगे ना, गुरुग्राम की खूबसूरती है कि अक्सर लोगों फ्लाईओवर चढ़ने के बाद याद आता है कि हमें फ्लाईओवर नहीं लेना था. और अब लोग इतना कंफर्टेबल हो गए वहाँ रहने में कि अब लोग उल्टे आए थे फ्लावर पे. मैंने पहली बार देखा एक स्कॉर्पियो उल्टी आ रही थी. मुझे लगा एक बार किसी जाट ने स्कॉर्पियो मॉडिफाई कराई है, उसने इंजन पीछे लगवाया है. उस पर लिखा था चलो बुलावा. मैंने कहा आई क्या है मेरा बुलावा, ले जा मुझे. जिसे कहते हैं ना आपको आपके कर्मों की सजा इस जन्म में मिलती है, गुरुग्राम में उस दिन मिलती है. क्योंकि एक गलत फ्लाईओवर और आप मानीसर हैं. नो लुकिंग बैक. आपको गुरुग्राम में उतने यूटर्न आता है जितना गुरुग्राम की स्पेलिंग में यू आते हैं. बाकी पुलिस को ठेका दिया टिपी टिपी टैप यूटर्न बंद करो. पुलिस वहां की को यूटर्न के अलावा कोई काम नहीं आता. इतनी क्लूलेस पुलिस है कि कल एक्सीडेंट हुआ तो पुलिस वाला खुद 100 नंबर मिला रहे थे. उनको भी लगा पहली बार कोई नया काम आया है हमारे पास. बस जी रहे हैं यहाँ पे. एक तो सोसाइटी कल्चर में मूव किया. मैं दिल्ली में रहता हूँ. दिल्ली में क्या होता है ना, लोग एक दूसरे से आई कॉन्टैक्ट करते हैं, स्माइल पास करते हैं और फिर आपका आधा घंटा बर्बाद. देखिए जो लोग आपसे आंख में बात करते हैं, फिर हाथ पकड़ के बातें करते हैं, भाई कैसा है, और फिर हाथ नहीं छोड़ते, हिलाते बात करते रहते पूरा पूरा. अरे आया भाई क्या कर रहा है, पूरा हिला के बात करते हैं. सोसाइटी कल्चर में कोई मजा नहीं. आई एम जस्ट अंज्यूमिंग कि आप लोग सोसाइटी में रहते हो, सोसाइटी कल्चर को अच्छा है. आपके फ्लोर पर कौन रहता, कोई आइडिया है आपको? कोई बात ही नहीं करता, मजा ही नहीं यार. मैं सोसाइटी में पहले दिन मूव किया, मुझे लगा मैंने जिंदगी का अपग्रेड लिया. सोसाइटी में चक्कर काट रहा हूँ, मैं आई कॉन्टेक्ट कर रहा हूँ, कोई ले ही नहीं रहा. मैं स्माइल दे रहा हूँ, जमीन पे गिरी जा रही.
मैं तो घर आ गया, मैंने कहा मम्मी वापस दिल्ली चलो, हम नहीं रह पाएंगे यहाँ पे। मम्मी कहती चल तो पढ़े बट यू डन बंद होंगे। मैं सुबह उठा, मैंने कहा मम्मी अब चलो, तब तक सोसाइटी का फोन आया, कहता मिस्टर चौहान एक बार हम मिलने आ सकते हो हमसे। मैंने कहा पक्का? मुझे लगा सॉरी बोलने के लिए फोन किया होगा। मैं हाफ पैंट पे कोट पहन के गया। आप यकीन मानो मैं उनके पास पहुंचा हूं, इतने घटिया लोग। उन्होंने मेरी सीसीटीवी फोटो दिखाई है, कहते हमें लग रहा है आपको कोई मेंटल डिसऑर्डर है, आप पूरे वीडियो में हंसते हुए दिख रहे हो, आप चेकअप कराओ आपका। यार ये कोई बात होती है यार? एंड गिव मी लाउड चैट, सोसाइटी में किसको नहीं जानना कि तुम पति पत्नी हो, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हो या ओयो पार्टनर हो। पर सबको ये जरूर जानना है कि आप ओनर हो या टेनेंट। यस, इट्स अ वेरी कॉमन थिंग। मैं इस अपनी सोसाइटी में 4 महीने से रह रहा हूं और ये बात मैंने 700 लोगों को बता दी है, पर दोस्तों मैंने अब ये कल्चर अडेप्ट कर लिया है। अब कोई बोलता है हेलो, मैंने कहा हेलो ओनर रजत चौहान, मीट माई वाइफ कोनर आकांक्षा चौहान। आप कौन? राकेश, टैलेंट राकेश भोसाले अपने आप को। डू यू एग्री कि ओनर के मन में एक टैलेंट के लिए नफरत सी है? यू कैन दम सी ना, आप मानो मतलब मेरी सोसाइटी बड़ा अलग सा, मतलब ओनर का पास चले ना तो टैलेंट की यूनिफॉर्म लगा दे और माथे पे स्टेंसिल से टी लिखवा दे। मैं कैसे बताऊं इतनी नफरत है। अभी जन्माष्टमी गई, जन्माष्टमी थोड़ी दिनों पहले तो हमारी सोसाइटी में झांकी लगी, तो ओनर के बच्चे बने कृष्णा और टेनेंट के सुदामा। करण का बनता है। 2 दिन पहले सोसाइटी में लड़ाई हो गई बच्चों की, तो ओनर की मां टेनेंट की मां से लड़ रही है कि तुम्हारे बच्चे घर घर कैसे खेल सकते हैं, तुम्हारा तो घर ही नहीं है। 2 दिन पहले 2-3 ओनर टेनेंट के घर घुस गए, कह रहे म्यूजिक का वॉल्यूम कम करो। कह रहा अंकल मैंने ईयरफोन लगा रखे हैं। कह रहा इसमें भी कम करो। कल बता रहा हूं, कल लिफ्ट ओवरलोड हो गई सुबह, पता कौन निकला होगा बाहर? लिफ्ट गार्ड था। हर जगह ओनर खराब नहीं होता है, आप लोग भी ना यार, इतना बुरे लोग जाते हो आप। क्या हुआ? आइस स्पाइस? अच्छा यहां से आए हो? धप्पा कैसा आना था पता नहीं लगा आपको? आपने कुछ मिस नहीं किया। ये लड़की देख रहे हो, हाई कर रही है, देखो हाई कर रही है आपको, मैनर्स नहीं आपको? क्या सीखा आपने? ये देखो, आप गैस करो इनकी क्या एज होगी? 25, इनकी बच्चा भी है इनका 25 में हो सकता नहीं, वो तो होने का तो कभी भी हो सकता है। आपको लग रहा है ये एज से रुकी हुई थी? नहीं नहीं नहीं, कोई बात, उनके पति देखो पीछे बैठे, ये दूरियां 3 साल में है, इनकी शादी को 5 हुए, उनकी 3 हुए हैं बस। काली बिल्ली देखी आपने? आप क्या वास्तु घर से बैठोगे? आपकी आपकी गैंग की है ये भी? इंजीनियर बीमारी नहीं है ये, अपने लोग खराब है यार। तुम चारों क्या कर रहे हो भाई? तुम चारों किसी को प्रपोज नहीं कर पाए आज तक? नहीं वो तो दिख ही रहा है, सब अपने अपने बैठे हुए कह रहे हाँ ठीक है जिंदगी में। देखो अच्छा कपल होता है कहाँ से आए? देखो आप कपल ही हो, आई एम जस्ट अज्यूमिंग। आपकी स्माइल भाई बहुत प्यारी है, कितना लाइफ में डेट करते हो आपको? 11 साल। जो देखो पागल हो गई लड़कियाँ, कमिटमेंट सूंघते ही पागल हो जाती है लड़कियाँ। इसने कमिटमेंट कर दी है भाई 11 साल की, कोई बात नहीं। और शादी भी करोगे किसी और से ना? यू गाइज ना, कब आप डेटिंग कब से शुरू करी आपने? मुझे लग रहा है आप कंजक्ट रही होगी तभी डेटिंग शुरू हो गई आपकी। 10th standard, हेलो गाइज, और पागल हो गए वो लोग। 10th standard में आपको समझ में आ गया था कि यही पे वो इंसान है, तब तो आपने इसको हाफ पैंट में देखा होगा, इसको आपने स्कर्ट निब्बा निब्बी प्यार नहीं है ऑब्वियसली। वो स्कूल में स्कर्ट में जाएगी, वो कौन सा मतलब मैक्सी पहन के जाएगी वहां पे? कैसी बातें कर रहे हो यार तुम भाई? मैम ठीक, अच्छा जैसा भी ठीक है, जैसा भी है आप ही का ये है। 11 साल हो गए डेट करते हो, अच्छी बात है, लंबा टाइम निकाल लिया आपने। फिर जॉब करते, सेम ही सिटी में जॉब करते हो आप? लॉन्ग डिस्टेंस, ये तो और डिफिकल्ट होगा। और तुम बैकग्राउंड में गाने क्यों गा रहे हो सब लोग? इनकी लव स्टोरी सुन तो लो तुम्हें,
देख रहा हूँ मैं आजकल, देख रहा हूँ। हाँ लॉन्ग से, मतलब आप कहाँ पर हो, कहाँ पर लोकेटेड है? गुड़गांव में रहते हो। हमने सारे जो कर दिए आपने इतना मिस कर दिया ना, जो बिल्कुल सारी बातें, कोई बात नहीं, चलो मिस कर दिया, कोई बात नहीं, कोई ज़्यादा मिस नहीं, अच्छे लोग आप, ठीक है। वो पति पत्नी देख रहे हो, वो पीछे वो देख रहे हो, दोनों दुखी हैं क्योंकि दोनों निकले थे बजट में, निकले में बजट बजट में निकले थे। आप जाते हो कोई शॉपिंग करने, बजट भी शॉपिंग, या कहीं ट्रिप प्लान करते हो गए तो बजट का, तो उन्होंने उनके बजट में यही आया। जैसे आपका सिंथॉल में निकल रहा है, सावर में निकलता है सोने का सिक्का, इनका लिखा बेटर लक नेक्स्ट टाइम। इतनी सी लव स्टोरी मिस करी आपने, बस अब आ गए। निर्दयी मम्मी, बच्चा पूछ रहा है मम्मी कहाँ है, वेरी द मम्मी, किसी और को मम्मी बोल देगा। ये तो ओनर से भी खराब है यार ये तो। मैं अरे नहीं, अच्छे आप मैम, ठीक है, कोई बात नहीं सर, ठीक है वो। हाय बेटा, पापा अच्छे हैं, मम्मी अच्छी है, क्या मम्मी भूल गए? कोई बात नहीं, अमेजोन से ऑर्डर कर देंगे पापा। अच्छा ठीक है, जस्ट एंजॉय करो, होना चाहिए। आप इतना 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 सब सो ही नहीं पाए होगे, अभी मैनेज करे बच्चे को, है कि नहीं? मम्मा किधर है बेटा? मम्मी मम ना देख ले, छोन छोन खेल रहे बच्चे के साथ आप। कोई नहीं, चलो ठीक है, सवारी अपने सामान की खुद रक्षा करे। हाँ कूली, आप, आपको लग रहा है अपनी बीवी अच्छी लग रही है, आप लग रही है आपकी बीवी अच्छी है, देख रहे हो आप? आ जाओ जाओ फटाफट जाओ। हाय मैम, आप अभी आए हो? इनको ढूंढने गए थे, फाइंड अस। अच्छा यू गाइस, मैंने कहा मुझे क्यों इंक्लूड कर लिया आपने इसमें। आप कौन है मैम, आप इनके कोलीग्स में तक? हाँ और कहाँ होते हैं कोलीग्स ये, कहाँ और कहाँ होते हैं? पनवाड़ी की दुकान पे कोलीग्स होते हैं, कहाँ होते हैं कोलीग्स? कैसी कैसी कोलीग्स, कोई बात नहीं, कोलीग्स से अच्छी एक्टिंग कोई नहीं करता। इनमें से किसी का भी आधा परसेंट इंक्रीमेंट एक्स्ट्रा हो जाए, यहाँ से कोली निकलता है फिर इनका यहाँ से। नहीं आप अच्छे वाले कोलीग हो, कोई दिक्कत नहीं मैम, कोई बात नहीं, आपने भी कुछ ज़्यादा मिस नहीं किया, इनको जानते हो आप? गैस हर एज, फटाफट फटाफट। हाँ हाँ 19 कॉम्प्लीमेंट, 19 इनकी बेटी है। हाँ 2.5 ईयर्स ओल्ड, इनकी शादी को 5 हुए, इनके पति की 3 हुए हैं, और यहाँ बैठी है, बच्चे और पति पीछे बैठा हुआ है, सब पीछे छोड़ दिया मेरे पास, वही रहो मम्मी, वो बच्चे पूछ रही मम्मी का है, मम्मी का है, ये बोल ही नहीं रही, समझ रहो? वो देख रहो कपल, इस शो के निबन भी ये बोले पकड़ लो, जैसे गुड़गांव से वही वाली हमारे साइड से, ये वाली एक दूसरे कपल, मैं तुझे फोन लगा रहा, तू फोन ना उठा रही, ए तू क्या कर रही, तू फोन क्यों उठा रही? ये निबन भी वाला प्यार है एक दूसरे के साथ, ठीक है, 11 साल से डेट कर रहे एक दूसरे को, सर ठीक है बच्चा, ठीक है मेरे मन में उसके लिए प्यार आने लगा है, वो कह रही कहाँ बैठा, वहीं बैठा था वो, और कहाँ जाएगी, भूल गई, चले गए वो, यहाँ चले गए वो लोग। हाँ नहीं कोई बात नहीं, आप बैठो भाई, गए गए गए। अच्छा फोन करके क्या करोगी अब, एक्टिंग करके क्या करोगी बुजुर्ग भाई? ऐसी मम्मी मिले सबको, आप तीनों भाई कैसे, बिल्कुल प्यारे क्यूट से बच्चे लग रहे एकदम से यार आप लोग। नहीं कहाँ से हैं भाई आप ऐसे? US, वाह। शादी कर लिया आपने? है मेरे पास 4-5 लड़कियां, 2 हैं जिनको 4 लड़के प्रपोज ही नहीं कर रहे, कोई बात नहीं, आर यू मैरिड ब्रदर? वाई US में सो मच डॉलर्स, क्या नॉट यैट? वाओ ब्रदर कूल। आप पानी का बॉटल, बिस्लरी वाटर, हेयर वाटर कंटेमिनेटेड, नॉट गुड फॉर योर बॉडी, गुड फॉर योर सोल। ओ या वाओ, सेम सर इन कॉलेज स्कूल, देयर कंपलसरी टू हैव अ गन विद यू, बुक नॉट अलाउड बट गन अलाउड, दीज गाइस था, दीज बैंगलोर पीपल यार। हाँ टेनेंट्स, ठीक है अच्छा लग, क्या लगता है आपको US के बारे में?
या यूएस के बारे में? व्हाट इज दिस यार? हाँ, बैंगलोर अच्छा लगता है आपको? तो फिर वहां क्यों गए हो? वहां पे फॉरेन लड़कियां डांस करती हैं? हाँ, बस ये एंडे पसंद है तो वापस कम बैक साइमन. ठीक है, कोई बात नहीं सर. कितने साल से रह रहे हैं आप वहां पे? 25. अब तो वहीं पे बॉर्न बट अप यहाँ पे. वो मैन एनरॉय नॉन रिलायबल इंडियन गुड ब्रदर. व्हाट अबाउट मैरिज? हाउ मेनी गर्लफ्रेंड्स, हाउ मेनी वाइफ्स टिल नाउ? ओनली वन गर्लफ्रेंड. वाओ, व्हाई सो लॉयल? In US, we don't need loyalty. Here, we need loyalty. देखो, loyalty. Yeah. एक दूसरे का साथ सर फाड़ेंगे? Nothing. पति कहाँ है? No, no idea. पति हमारे बीच में नहीं रहा? कोई दिक्कत नहीं है. अरे मतलब वैसे. पति कहाँ है? No idea. आप इतना चिल कैसे हो सकते हो यार? अरे मेरे शो देखने आए थे, पर ठीक है, पति भी तो है आपका. मैं दो घंटे के बाद जिंदगी की सब निकालनी है आपको. लर्न ब्यूटिफुल मैरिज. 5 years ऑफ मैरिज, उनकी 3 साल की शादी. 2 years इमिग्रेशन US. ब्रदर व्हाट इज दिस? ब्यूटिफुल ब्रदर, ब्यूटिफुल. आप भी US में काम करते हैं? और सुबह ब्लैक कॉफी लेके निकल जाते हो उसे ओवर कोट पहन के? ऑब्वियसली थन बहुत होती है. आपने तब बोले थन बहुत होती है, मुझे लग गई. इनफैक्ट हम सबको लग गए ठंडी ठंडी. आपने नहीं सुना लक्स को? जी चाचा मुझे पसीने क्यों आ रहे हैं? यू डोंट हैव एनी आइडिया. गुड. आपका क्या नाम है आपका? या आपका नाम इतने एकदम मजा आ रहा ना सुनने में. मेरा नाम, हाँ हाँ, मली. इसके आगे कुछ रखा है नाम इसके आगे? बस मतलब अगर आप कभी गुम गए तो क्या बोलेंगे लोग? मिली, मिल गई, मिली, मिल मिली नहीं. एंड घर का नाम? गुम गई. बोले लोग मतलब ऑफिशियल नेम मिली और घर का नाम गुम गई. वह ब्यूटीफुल नेम है. बता आपका घर, आपका नाम, वंश? ठीक है, वो तो बड़ा नहीं है आपको. यू गाइस ना यार, उसका बस लेकिन जरूर शो में गए. तुम लोगों को आती हिंदी, इनको नहीं आती है. वंश, दे आर जेलस ऑफ यू. आई रिक्वेस्ट यू काइंडली शो थ्रो सम डॉलर ऑन देम प्लीज प्लीज. $100 मिनिमम. क्या मनरेगा चल रहा है यहाँ पे? वंश, ओ मैन, यू लाइक अ हनी बी मैन. व्हाट इज योर डेली रूटीन इन यूएस ब्रदर? या डेली रूटीन लाइक वर्कआउट, साइकिलिंग, साइकिलिंग, साइकिलिंग. न्यूज़पेपर फेंकते हो ऐसे? मैं नहीं गया ना यूएस, मैं पूछ सकता हूँ ना? नहीं पूछ सकता. खुद गए नहीं हो, फालतू की बातें कर रहे हो. वंश, दे आर जेलस. एनी टाइम यू फील अनकंफर्टेबल थ्रो मनी, मेक देम अनकंफर्टेबल. ओके, या सुधर जाओ तुम. या हाँ भाई, साइकिलिंग, रेस्ट, साइकिलिंग, साइकिलिंग, सॉरी, लिफ्टिंग, वेट लिफ्टिंग. तो बॉडी कहाँ है? जैसे मेरी बॉडी है, मैं घर पर रख के आया हूँ. वो इंडिगो में अलाउ नहीं करते 15 kg से अबव. तो आई जस्ट गिव माई बॉडी ऑन रेंट. न्यू कल्चर इन इंडिया. वेन एवर यू नीड गुड बॉडी टू बीट पीपल, आई एम देयर. यू नीड माई हैंड टू थ्रो डॉलर्स ऑन देम, आई एम हेयर. कब से IT डिपार्टमेंट में आप? हैं? 10 years. अब तो आप खत्म हो, आप कुछ नहीं होना. आप तो काम ही नहीं कर पाओगे. आप
अब बताओ आपको नेक्स्ट गोल क्या बनाओ, आप वीगन बन जाओ। जिंदगी सामान ढूंढने में निकालो कि क्या खा सकते हो आप। देखो मैं तो फैक्ट ही बताया है, यू मस्ट नो वीगन या वीगन, वीगन मीन्स अमीरों के चोचले। या यू आर वीगन ब्रदर, लैक्टोज इंटॉलरेंट, यू आर लैक्टोज इंटॉलरेंट। हमारे अम्मी सब कोनी मार के पिलाती है दूध। यार ये रहा तेरा लैक्टोज, ये रहा तेरा टॉलरेंस, ले हम पिलाते उसको भी, ये तो घर छोड़ देती है, बच्चों के साथ फेंक के मारती है बोतल, पी ले। शी इज डिफरेंट काइंड ऑफ मॉम। बच्चा दीवार चाट रहा था उसमें दूध डाल देती है, बच्चा दूध अभी भी आपको एक बार भी नहीं कि पति को देख लूं एक बार भी। सब देख रहे हैं कि कहां है भाई, कोई कंसर्न नहीं है।